कोरबा से साइकिल सीधा घूमने तो निकले हो हाँ। लेकिन कुछ तो मतलब अपने हृदय में रख कर निकले होंगे हाँ। हेलो, कैसे हो संगवारीमन। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो पिछले एपिसोड में मैं अविनाश, आकाश, आयुष लोग के साथ पे बगही पहाड़ गया था। तो फिर वहाँ से वापस आने के बाद हम लोग चले गए थे आकाश के घर में, और फिर वहाँ से उसके मामा मामी से मिले, उसके फैमिली वालों से मिले, और फिर ऐसा कुछ कुछ बातचीत हुआ। तो ये एपिसोड उसके ऊपर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड तक ज़रूर देखना। क्या क्या नाम है भाई लोग का? ये क्या हो गया, इसका उम्र हो गया कि? चलो चलो, सबके लिए एक कमरा है। हाँ, बहुत बड़ा घर है। रात को बंद कर देता हूँ। अच्छा, तू यहाँ रहता है? क्या बात है। ये स्कूल में है अभी? हाँ, स्कूल में अभी कपड़ा इतना नीचे रख दिया है। क्या नाम है तेरा? बता दो अंशु। अंशु रानी तुर्की। आप लोग भी तो बताओ अपना नाम। नाम भाग रहे थे। बताइए ना, आप लोग नाम बताइए। मेरा नाम अनन्या तुर्की। इसका यहाँ अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हैं, स्वेटर अच्छा लग रहा है, होली क्रॉस का। अच्छा, आप लोग मामी हैं इसके? आकाश की? आकाश की मामी। सब लोग देखने आ गए भाई। अच्छी बात है, मिले तो इसी बहाने। ये तो छुपे छुपे करता होता, फिर छुप गया। छुपता है। अब आया ये। वहाँ भी भाग रहा था, सब लोग पहाड़ चढ़े तो सबसे पहले चढ़ चढ़ के भाग गया अकेले। ये लोग कहीं देर से जाते हैं, वहाँ रोज ही नहीं जाते हैं लोग। हर साल सैटरडे संडे को चले जाता है। कहाँ? वही जंगल पहाड़ ऊपर। कौन? इधर आइए तो घुसिएगा घर में। अब पहचान हो गया तो बिल्कुल आएंगे। मैं वही बोला इन लोग को, अगली बार आएंगे तो 3-4 दिन के लिए रुकेंगे। पूरे आसपास का टूर हो जाएगा पूरा। हाँ हाँ हाँ, इधर झारखंड तरफ बिल्कुल रुकेंगे। अब पहचान हो गया तो, पहले तो कोई स्थान ही नहीं, रिश्ता नाता अनजाने में ही बना है। लेकिन पार हो गए? नहीं, लोदाम में ही रुका था। तो इन लोग ऐसे पहले बोले, इन लोग फोटो खिंचाने के लिए, तो मैंने नहीं रुक रहा था। मैं मैं बोला कि साइकिल में चलते चलते खींच लो करके। फिर बोला चलो रुकते हैं। ठीक है, फिर कभी आइएगा तो मेरे को वाले घर का टूर देंगे क्या? सामने वाले घर का, आपके जो सामने वाला। चले चलो ना, तो चलो नहीं जाएगा। बट लेकिन आज ठंड नहीं है, आज कम है ठंड। नहीं तो मतलब रोज ज्यादा ठंड रहता है, कल तो बहुत ज्यादा ठंड था। फिर रात को टहल रहे थे तो कुर्सी ले, अब टन बस मत, इधर भी बैठेंगे। चलिए चलिए। हाँ, अब आया, ठीक है। चलिए चलिए ना, आप भी तो चलिए। चल भाई आकाश, तू भी चल। नमस्ते, जय सु, जेसु। आपकी दादी? नहीं, मम्मी है। इन लोग की दादी, बच्चे लोग की दादी। अच्छा, कोरबा से तो कैसे इधर घूमने के लिए? घूमने के लिए हाँ, साइकिल से। साइकिल से कोरबा से साइकिल से इधर? हाँ हाँ। कहाँ जा रहे हैं? कल सुबह रांची जाऊंगा। ताजुब वाला बात बता रहे हैं, बड़ा चंभा वाला। सही में? सही तो हाँ। तो देखो, घूमने का शौक तो है ही मेरे को, तो कम से कम एक शौक तो पूरा हो जाए। घूमने का शौक तो पूरा मैं। नहीं बाबू, मैं एक बात बोल रही हूँ। घूमने तो निकले हो हाँ। लेकिन कुछ तो मतलब अपने हृदय में रख कर निकले होंगे हाँ। कुछ मतलब बांध के मोबाइल, वो अपना मन की हृदय का बात को तो नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? बता तो रहे हैं सबको बता रहे हैं।
उनका शौक ही है घूमने का, तो वो शौक पूरा कर रहे हैं। मतलब आप सही बोले, आप सही बोले, ऊपर से फिटनेस भी सब चीज मेंटेन हो रहा है शौक पूरा करने के। शौक पूरा करने का नहीं, चलिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, अच्छा ही काम कर रहे हो, मतलब आप बताने के अनुसार ना। हाँ हाँ, तो अभी जिंदगी बहुत लंबा है। वो तो है, बहुत लंबा है। आप सब तरफ से लाइक व्यक्ति हैं ना, तो जिंदगी में सिर्फ इधर सुधर जाने में तो मतलब पूरा सफलता होगा? सफलता ही सफलता है इसमें। नहीं, एक पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ तो उसके लिए तो धैर्य चाहिए ना, धीरज। एक दिन में तो नहीं होगा, नहीं। लगेगा सब। देखिए, हम लोग बात को नाराज मत मानिए, जो हम लोग ना कल को देखे हैं और आज को देख रहे हैं, मतलब इसलिए ना आपसे जो इतना लंबा जो सफर कर रहे हैं ना, वो भी साइकिल से, इसलिए ना अचंभव लग रहा है, इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, बाकी पहले भी बोले आपका, हम लोग का किस्मत ही समझिए, कभी हम लोग सोच नहीं सकते या तो कभी सोचेंगे भी नहीं। उनसे हम लोग मुलाकात किए, पता नहीं कब करेंगे, दोबारा होगा जल्दी। हाँ। वापस आऊंगा ना। रांची से फिर तीर्थ यात्रा के लिए निकले हो अपन, जीवन जिंदगी के लिए सफलता पाए। अरे मम्मी, अपना शौक भी पूरा कर, अभी रांची से आते ही जा रहे हैं। तो बोल रही हूँ मैं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। नहीं, वैसा बात नहीं है, अकेले आजकल दुनिया में ईमानदार और अच्छे लोगों के लिए ना अकेला ही पर्याप्त है। बस ईमानदार और अच्छे सोच अच्छा होना चाहिए, बस काफी। जो अच्छे लोग ही ऐसा हो घूम सकते हैं, बाकी ना जो जिनके मन में द्वेष रहता है, उनके मन में दूसरों के प्रति खोट रहता है ना, वो ऐसे सिंगल व्यक्ति ही नहीं घूम सकते। नहीं, मैं भी कभी जिंदगी में पहले अकेले नहीं घूमा हूँ, मेरे को भी डर लगता था, मतलब कि कोई रहे मेरे साथ तो अच्छा लगता था। पहली बार ही निकला हूँ तो, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि हाँ, अकेले घूमना भी अच्छा होता है, नया अनुभव है ना मेरे लिए। अपना इंडिया भी तो इतना बड़ा है, घूमेंगे तो 4-5 साल भी कम पड़ेगा। बेटा, बहुत बड़ी बात है, देख लो। क्या मतलब, भैया ही बोलोगे ना? देख लो, जब पता चला ना कि आप आए हैं। चिकन लेके आया भाई अपना अविनाश। चलो चलो, खाना खाते हैं आज, पूरा इन लोग के बदौलत ही आज का दिन चला। चल भाई, खा ले, तू भी खा, मैं भी खाता हूँ। स्लीपिंग बैग अपना काम आ रहा है, और क्या, बस हो गया, सोने का तैयारी हम लोगों का है ना। आ रहा है अविनाश थोड़ी देर में, सोएगा अपने साथ ही। अविनाश और मैं सो रहे हैं अभी अविनाश के घर पे, मेरे घर पे। ठीक है, कब, अब कल सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट। गुड नाइट।